हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज का जो वीडियो है ये भी एक ब्लॉग ही है। आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है वो मैं आफ्टरनून से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का आपने देखा ही होगा, मॉर्निंग का सिंपल रूटीन होता है, झाड़ू पोछा बर्तन। आप देखे थक गए होंगे और मैं भी दिखा के थक गई हूँ, क्योंकि डेली का एक ही प्रोसेस है। फिलहाल तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे है नहीं, मैं और मेरी बेटी है। मेरे हस्बैंड थोड़ा आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं, तो हम थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को। तो हस्बैंड है नहीं तो काम इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट फिर भी काम हो जाता है। हम माँ बेटी ही हैं सिर्फ, तब भी हमारा काम होता है। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:30 हो रहा है, और अभी जो है मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया है, और मेरी बेटी अभी सो रही है। हालांकि वो बीच में उठी थी, उसने दूध दूध लिया था, उसके बाद वो फिर सो गई है। अभी मुझे उस वक्त आना है, और थोड़ा मुझे आज मार्केट जाना है। हस्बैंड नहीं है तो सारी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ रही है। कल परसों मैं ग्रॉसरी का सारा सामान लेके आई थी, घर का जो भी था, वो किचन का सारा आइटम लेके आई थी। आज मुझे मार्केट जाना है, बट मुझे अपने लिए नहीं, मुझे मेरी फ्रेंड के लिए जाना है, उनको शॉपिंग करनी है, तो इसके साथ उनके साथ जा रही हूँ। तो बस यही है, और हस्बैंड नहीं है तो खाना जो है वो कभी कभी चिटिंग हो जाती है, बट हर टाइम चिटिंग नहीं होती, बन रहा है, प्रॉपर खाना बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, हम माँ बेटी हम दोनों ही बना रहे हैं खाना पूरा प्रॉपर। आज जो है ना, मौसम बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा हो रखा है, इतनी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, हवा चल रही, धूप है नहीं, हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हुई है बस। तो खाने में मैंने बनाया आलू गोभी की सब्ज़ी, अब मैं जा रही हूँ पूड़ी बनाने, और गाजर का हलवा मैंने बना रखा है, और मेरी बेटी को थोड़े से वो जो चिप्स होते हैं वो चाहिए, तो वो मैं बना लूँगी अभी। तो ये मेरा अभी लंच हो जाएगा, और 12 बजे के आसपास मेरे ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं। आज ट्यूशन के बच्चों का टाइम मैंने इसलिए चेंज किया, आज क्या मैंने काफ़ी टाइम से चेंज कर रखा है ट्यूशन के बच्चों का, क्योंकि उसमें मेरा एक या दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय के हैं, जिनका सेकेंड शिफ्ट है, और उनकी क्लास जो होती है वो 12:00 के बाद शुरू होती है, यानी 12:00 नहीं, आई थिंक 2 बजे उनकी क्लास शुरू होती है, 2 से 5 बजे तक। तो उनको शाम की ट्यूशन जो क्लास लेती हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से उन्होंने कहा मैम आप मॉर्निंग में ले लो। मैंने कहा ठीक है, मेरा हस्बैंड है नहीं तो इस वजह से भी मैं कंफर्टेबल थी। तो अभी वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाऊँगी, उससे पहले मैं थोड़ा लंच तैयार कर दूँगी, क्योंकि मुझे 1 बजे मार्केट निकलना है, तो उसके बीच में मुझे वान्या को भी उठाना है। और वान्या को मैं दिखाती, देखिए कैसे सो रही है आराम से। वान्या वान्या उठ जाओ, वान्या मार्केट नहीं जाना, वान्या वान्या मार्केट नहीं जाना, नहीं जाना, मम्मा जा रही है। जाऊं मैं? फिर आप किसके साथ रहोगे? हाँ, किसके साथ रहोगे आप फिर बताओ? पापा है नहीं, प्रवीण है ही नहीं, रहूंगी। प्रवीण तो है ही नहीं, मैं और इंतजार रहूंगी। किसके साथ? वो ऑरेंज के साथ। ऑरेंज के साथ? चलो उठो उठो, चलो रेडी हो जाओ, मम्मा रेडी हो गई, देखो ना, गेट अप, उठो 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 उठो। तो गाइस, वान्या को ऐसा लग रहा है कि पापा है यहाँ पे, और पापा भी है नहीं यहाँ पे वैसे, है ना वान्या? पापा है नहीं, ये क्या किया? तो उसे ऐसा लग रहा है कि पापा यहाँ पे है, एक्चुअली अपने पापा को प्रवीण ही बोलती है, तो उसे ऐसा लग रहा है पापा यहाँ पे है, मैं पापा के साथ रहूंगी, बट पापा नहीं है बच्चे। चलो साथ में चलते हैं मार्केट, लेके आपको चलेंगे ऑटो में, ठीक है? नहीं नहीं जाना, मैं अकेले चलूंगी। अकेले? हाँ। पहले आप रेडी तो हो जाओ, मुंह देखो कैसा बना रखा है, चलो मैं आपको तैयार करूँ। नहीं नहीं कर लो, मम्मा ने गर्म पानी कर रखा है, चलो। तो गाइस, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ।
तो लंच गाइस तैयार हो गया है और अब मैं जा रही हूँ वानिया को खिलाने और मैं खुद भी खाऊंगी। और अभी मेरे ट्यूशन के बच्चे नहीं आए हैं, तब तक हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं उनको क्लासेस लूंगी। तो लंच मैंने बनाया और ये चिप्स जो है ये सबको पसंद आते हैं, वानिया को भी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज पूरी तल रही तो उसी तेल में इसको भी तल लिया जाए। तो चलिए मैं आपको लंच के बाद मिलती हूँ। तो गाइज अब हम आ गए हैं और जल्दी आ गए थे मार्केट से क्योंकि वहाँ बहुत बारिश हो रही थी। तो जिन मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड गई थी उनको सिर्फ लहंगा और ये सब लेना था, तो मैंने लहंगा लिया और साड़ी ली, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि नॉर्मल मार्केट था तो हमें ज़्यादा वैसा नहीं था। और मैं वानिया के लिए सिर्फ क्लिप्स वगैरह लेके आई थी, इस तरीके की देखिए क्लिप्स और ये सब लेके आई मैं उसके लिए, क्लिप्स रबड़ और इस तरीके के बैंड्स ये सब लेके आई थी। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीऊँगी, उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद मैं कुछ खाने के लिए बनाऊंगी क्योंकि भूख भी लगी है, क्योंकि आज हमने लंच जल्दी कर लिया था 12 बजे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, चलिए देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो गाइस ये देखिए हल्की फुल्की बारिश जो है ना हो रही है अभी। वान्या अपने लिए सिर्फ ये डॉल लेके आई है ना वान्या? हाँ। इन्होंने जिद की थी कि मुझे ये डॉल चाहिए, तो फिर मुझे ये डॉल लेनी पड़ी इनके लिए। ये देखिए ये लेके इनके साथ खेल रही है डॉल। माने आपको अच्छी लगी डॉल? हाँ। मैं ये काउ इतना बड़ा से। हो गया। हो गया? उसमें रखो। अब मुझे कौन सा कलर करना है? कौन सा कलर करना है? ये कौन सा कलर है? येलो। हाँ। ये येलो। येलो ना इसके साथ मैच कलर। हाँ अब येलो कलर उसमें से निकालो। ये वाला। हाँ लगा दे। अभी करती हूँ। इसे चली भी नहीं लाला। गाइज अब बज गए हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ इंसा सूप बनाने। ये सूप जो है मिक्स वेजिटेबल है, तो मैं इसे बनाऊंगी। पानी इसका मैंने यहाँ रखा है बॉईल होने के लिए। और डिनर में जो है मेरा आलू गोभी की सब्जी है और देखती हूँ बनाऊंगी अब पूरी। गाजर का हलवा वैसी है तो उसको थोड़ा सा गर्म करना है और गर्म होने के बाद उसको हम लोग खाएंगे डिनर में। तो आई होप गाइज आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू है आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा और हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियोस की। बस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करूँगी क्योंकि ब्लॉग में कुछ और ऐसा है नहीं जो मैं आपको डेली दिखाऊँ। डेली का वही है रूटीन, सोना उठना जागना बर्तन झाड़ू पोछा, जो हाउसवाइफ का डेली का नॉर्मल रूटीन होता है वही रूटीन होता है। आज तो मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही थी तो उस टाइम लाइट भी चली गई थी, फिर बीच बीच में लाइट आ रही थी और जा रही थी क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रखा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और 2 दिन से तो बारिश ही हो रही है यहाँ पे। तो अभी वानिया जो है वो वहाँ मूवी देख रही है, उसके बाद एक काफ़ी मूवी लगा के रखी है, उसके बाद उसको थोड़ा सा मैं कलरिंग वगैरह कराऊंगी, देन हम डिनर करेंगे, फिर हम सो जाएंगे, गुड नाइट स्लीप हो जाएगी हमारी। तो ये वीडियो इतना ही है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गाइज आप फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, ज़रूर आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए अभी मैं पहले सूप बना देती हूँ। तो पानी जो है इसका जो है ये बॉइल हो गया है, अब बस मुझे सिर्फ इसको इसमें डालना है। आज मुझे ये ज़्यादा बनाना नहीं है क्योंकि वानिए से ये ज़्यादा नहीं ले खाती है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे थोड़ा बहुत है क्योंकि ये जो है वेजिटेबल सूप है। तो गाइस बस ये अभी थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा, इसमें जो है ना हल्का सा सिर्फ नमक डालना होता है क्योंकि नमक का जो इसमें टेस्ट है ना वो थोड़ा सा कम होता है, या मुझे नमक ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़रा सा नमक डालूंगी। तो उसके बाद ये मेरा सूप बन जाएगा। ये रहा मेरा बाउल जिसमें जाएगा सूप। मंगलवार।
वाना मुझे पीछे से कह रही मुझे मंगलवार जाना है। वो कुछ कुछ बोलती रहती है, वो सोचती मम्मा वीडियो में कुछ बोल दे तो मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तो गाइस सूप तो मेरा तैयार हो गया है, ये रहा, अब मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने। ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, और जैसे मैं इसे इंजॉय करूँगी आई होप आपने भी मेरा ब्लॉग इंजॉय किया होगा। तो अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।